हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गेमबागन। दोस्तों, क्या आप भी एक ऐसे करियर की तलाश में हो जहां पे आपको बहुत कम समय में, बहुत कम खर्च में एक अच्छी शिक्षा और एक अच्छी स्किल सीखने को मिले और साथ के साथ आपको जॉब लेने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम ना है। अगर दोस्तों आपकी भी यही प्रॉब्लम है तो आज की ये वीडियो आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको MSME की पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि MSME क्या है, किस तरीके से आपको यहाँ पे अलग अलग कोर्सेज करवाए जाते हैं, इंडिया में कितने ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि MSME द्वारा चलाए जाते हैं और किस तरीके से आप उनमें एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ। मैं एक एक करके सभी की वेबसाइट पर भी आपको ले जाकर दिखाऊंगा। और दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में MSME के जितने भी टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर हैं उनसे रिलेटेड सभी कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन MSME टूल रूम के बारे में बता देना चाहता हूँ, जिन लोगों को नहीं पता या जिन्होंने इस वर्ड को पहली बार सुना है। दोस्तों, MSME का पूरा मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। दोस्तों, ये गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन होता है जहाँ पे आपको एक ऐसी स्किल सिखाई जाती है, ऐसी शिक्षा दी जाती है जो कि आपको मीडियम, माइक्रो, स्मॉल, इवन लार्ज इंटरप्राइजेस, मतलब बड़ी बड़ी कंपनियों में भी ऐसी स्किल की डिमांड होती है, जिसकी वजह से आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी आ जाती है और इसकी वजह से आपको जॉब लेने में कोई दिक्कत नहीं होती। इवन आपके सेम क्वालिफिकेशन के हिसाब से भी बाकी स्टूडेंट से आप अलग हो जाते हो और आपको जो जॉब मिलती है वो सबसे हटके रहती है और काफ़ी अच्छी जॉब इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है, हेल्प की जाती है आपको जॉब लेने में। तो दोस्तों, चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, जितने भी टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर है जो भी आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं, सबके ऑफिशियल वेबसाइट से मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। और किसी भी टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर में ऐसा नहीं है कि आपको पैसे नहीं लगेंगे। पैसे हर टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर में लगते हैं, पर बहुत ही कम लगते हैं और बहुत कम समय लगता है। ये गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है और साथ के साथ बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है, टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर है जो कि आपको फ्री में भी बहुत सारे स्किल प्रोवाइड करवाते हैं टाइम बेस पे, अलग अलग टाइम ड्यूरेशन में इनकी स्कीम निकलते रहती है, तो आप उनकी वेबसाइट पे आपको पूरी जानकारी पता चले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो लिस्ट में मेरे टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर आप देख सकते हो, मुंबई का है। इसका पूरा नाम है इंस्टीट्यूट फॉर डिजाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये दोस्तों बेसिकली इलेक्ट्रिकल फील्ड से रिलेटेड वालों के लिए ये इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है, जिन्होंने इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक से ऐसी फील्ड में जो गए हैं, जो जाना चाहते हैं, जिनकी स्टडी की हुई है इन फील्ड में, उनके लिए यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कोर्सेज मिल जाएंगे जो कि आपको एक अच्छी जॉब दिलवाने में मदद करेंगे। साथ के साथ आप जैसे ही इस वेबसाइट पे आओगे, सबकी वेबसाइट का मैं ओवरव्यू आपको दूंगा, आपको यहाँ पे ट्रेनिंग के कॉलम में अलग अलग ट्रेनिंग देखने को मिल जाएंगी, जैसे ऑनलाइन ट्रेनिंग भी मिल जाएगा, AICT से अप्रूव कोर्स भी मिल जाएंगे, PG/PD कोर्स भी मिल जाएंगे, लगभग हर एक टेक्नोलॉजी जो कि इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में यूज होती है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ये ऐसा नहीं है कि ये केवल टेक्निकल स्टूडेंट के लिए है, नॉर्मल स्टडी वाले, 10th class 12th class वालों के लिए भी इनमें बहुत सारे ऐसे कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। मैं कोर्सेज की जानकारी तो नहीं दे पाऊंगा, उसके लिए मैं पर्टिकुलर वीडियो पहले भी बहुत सारी बना चुका हूँ, आप जाके उनको जरूर देखें। बट आप अगर मुंबई से हैं तो आप इस वेबसाइट को चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आके आपको ट्रेनिंग वाले कॉलम में अलग अलग ट्रेनिंग कोर्स करने को मिल जाएगा, आप अपने हिसाब से किसी भी ट्रेनिंग को सिलेक्ट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले इंस्टीट्यूट की ओर। अगला जो इंस्टीट्यूट है वो है हमारा उत्तराखंड का रामनगर का इंस्टीट्यूट। बेसिकली ये इंस्टीट्यूट भी इलेक्ट्रॉनिक सर्विस एंड ट्रेनिंग सेंटर है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक फील्ड से रिलेटेड है। इसमें भी आपको यहाँ पे इनके वेबसाइट पे जैसे ही आप आओगे ट्रेनिंग का कॉलम मिल जाएगा, ट्रेनिंग के कॉलम में जाने के बाद आपको यहाँ से डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, आपके ट्रेनिंग कैलेंडर मिल जाएगा, क्या क्या ट्रेनिंग होती है वो सभी चीजें इस पे मिल जाएगा। बेसिकली इनका जो ट्रेनिंग फील्ड है वो आपको कंप्यूटर से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, PCB डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड और मैकेनिकल वालों के लिए भी इसमें कोर्सेज अवेलेबल हैं। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट इंस्टीट्यूट की तरफ। दोस्तों, अगला जो इंस्टीट्यूट है वो है सेंट्रल फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। दोस्तों, ये चेन्नई में है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। को फुटवेयर फील्ड में अगर जाना है, मतलब जूते चप्पल या ऐसे कारखानों में आपको जॉब ढूंढ रहे हैं या ऐसे फील्ड आपके नियर अबाउट ऐसे कारखाने वहाँ पे आपको जॉब चाहिए, तो दोस्तों यहाँ पे आपको सेंट्रल फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आपको अच्छी ट्रेनिंग मिल जाएगी। यहाँ पे भी सेम आपके इंटरफेस आप देख सकते हो, आपको जितने टाइम ड्यूरेशन के अंडर में कोर्स चाहिए आपको सभी 1 महीने से लेके 1 हफ्ते से लेके 1 साल से लेके अलग अलग तरह के कोर्सेज यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद
बात बढ़ते हैं अगले इंस्टीट्यूट की तरफ। अगला इंस्टीट्यूट है PPDC। दोस्तों ये भी MSME का एक टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर है और इसमें भी बहुत सारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाए जाते हैं। आप देख सकते हो इनमें भी हर तरह के कोर्सेज करवाए जाते हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, प्रोफेशनल कोर्स, मीडियम शॉर्ट टर्म कोर्स। उसके बाद इंस्टीट्यूट का नाम जो आता है वो है फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर कन्नौज। ये एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड है। अगर आपको एग्रीकल्चर फील्ड में, इस वाले फील्ड में जाना है तो यहाँ पे आपको अलग अलग तरह के कोर्सेज करने को मिल जाएंगे। जैसे आप देख सकते हो डिप्लोमा कोर्सेज भी है, अलग से ट्रेनिंग भी है यहाँ पे। तो आपको वेबसाइट पे आना है, जानकारी लेना है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट इंस्टीट्यूट की ओर। दोस्तों ये टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर जो है मेरठ में है। ये टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर लगभग हर एक टाइप के कोर्सेज करवाता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड से भी, मैकेनिकल फील्ड से भी। आपको जिस फील्ड में जाना है उस फील्ड से रिलेटेड आपको यहाँ पे कोर्स मिल जाएगा। और इसके लिए भी आपको सिंपल ट्रेनिंग वाले कॉलम में जाना है। नीचे आप देख सकते हो अलग अलग, आपको फोटो से ही पता चल जाएगा, मैकेनिकल वर्कशॉप है, लेदर वर्कशॉप है, वुड का काम आपको सीखना है तो यहाँ पे मिल जाएगा, रबर प्लास्टिक वर्कशॉप है, बिजनेस से रिलेटेड कोर्सेज है, कंसल्टेंसी से रिलेटेड कोर्सेज है। बहुत सारे आपको करियर ऑप्शन यहाँ पे आने के बाद मिल जाएगा। बढ़ते हैं अगले इंस्टीट्यूट की ओर। अगला इंस्टीट्यूट जो हमारी लिस्ट में है वो है टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर औरंगाबाद का। दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरीके का कुछ इसका वेबसाइट है। ये बेसिकली आपको सिंपल कॉमन टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर है। इसमें भी आपको अलग किसी स्पेशल फील्ड में नहीं बल्कि हर एक फील्ड का, आपको मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स, आपको डिजाइनिंग फील्ड में जाना है तो जिस फील्ड में आपको जाना है, अगर आपको कोई ऐसा कोर्स करना है, प्रोग्रामिंग का कोर्स करना है, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना है, जिस तरीके कोर्स करना है आपको सभी कोर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हो इसका भी इंटरफेस कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे आपको ट्रेनिंग का कॉलम मिल जाएगा, आप यहाँ पे जाके पूरी जानकारी ले सकते हो। बढ़ते अगले कोर्स, अगला इंस्टीट्यूट जो है वो इंदौर का है। इसमें भी सेम आपको सभी तरह का कॉमन टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर है। ये भी इस तरीके का कुछ इंटरफेस है इसका और आप इस तरीके से यहाँ पे आके ट्रेनिंग वाले कॉलम में पता कर सकते हो क्या क्या ट्रेनिंग यहाँ पे दी जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट इंस्टीट्यूट की ओर। अगला जो इंस्टीट्यूट है वो है गुवाहाटी का। ये बेसिकली टेक्निकल कोर्सेज के लिए, जैसे कि ITI होल्डर्स, डिप्लोमा होल्डर्स या फिर 10th और 12th वालों के लिए अलग अलग फील्ड का कॉमन, ये भी कॉमन टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर है। आप में इसमें भी देख सकते हो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, ई लर्निंग और ऑनलाइन कोर्सेज, प्लेसमेंट की फैसिलिटी जैसा मैंने बताया आपको हेल्प करते हैं। आप देख सकते हो फ्री स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर SC/ST कैंडिडेट स्पॉन्सर्ड बाई NSFDC। तो इस तरीके से अलग अलग इंस्टीट्यूट में आपको इवेंट चेक करते रहना है, अलग अलग इंस्टीट्यूट में आपको ऑफर मिलता रहेगा फ्री ट्रेनिंग का। बढ़ते हैं अगले ट्रेनिंग सेंटर की ओर। ये है आपका अहमदाबाद का। इसमें भी आपको अलग अलग ट्रेनिंग कोर्सेज करवाए जाएंगे। इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके का है। ट्रेनिंग वाले कॉलम में आप आके यहाँ से अपने हिसाब से कोई भी ट्रेनिंग चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो लिस्ट में हमारा ट्रेनिंग सेंटर है वो है हैदराबाद का। ये भी किसी स्पेशल फील्ड पे नहीं है, ये भी मिक्सड है, हर तरीके के कोर्सेज यहाँ पे करवाए जाते हैं। आप यहाँ पे आके ट्रेनिंग ले सकते हैं। सबसे मेन है इनका जो नोटिफिकेशन वाला कॉलम है, आपको उसको ध्यान दे के हमेशा उस पर अपडेटेड रहना चाहिए। अगले कोर्स इंस्टीट्यूट की ओर। अगला इंस्टीट्यूट है जमशेदपुर का। ये इंस्टीट्यूट बहुत ही खास है क्योंकि ये इंडस्ट्रियल एरिया में ही बसा हुआ है। टाटा जमशेदपुर नाम से आपको पता चलेगा, टाटा के इंडस्ट्रियल एरिया में ये इंस्टीट्यूट बसा हुआ है। और यहाँ पे आपको कोर्स करने के बाद बहुत ही ईजिली जॉब मिल जाती है क्योंकि बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरिया की कंपनी यहीं से बंदे को हायर करती है क्योंकि इनका टाई अप होता है ऐसे इंस्टीट्यूट के साथ। और सबसे खास बात कि अगर आप झारखंड के निवासी हो तो आप यहाँ से फ्री में कोई भी कोर्स कर सकते हो। आप देख सकते हो NSQF का जितने भी कोर्स है सब फ्री में आपको झारखंड वालों के लिए है यहाँ पे। अगला इंस्टीट्यूट है जालंधर का। ये टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर जो है जालंधर का है। यहाँ पे आपको बेसिकली मैकेनिकल फील्ड, ये भी कॉमन है, हर तरह की चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी आपको। यहाँ से ट्रेनिंग कैलेंडर डाउनलोड कर सकते हैं, सभी चीज़ें आपको वेबसाइट पे आने के बाद मिल जाएंगी। बढ़ते हैं दूसरे इंस्टीट्यूट की ओर। अगला इंस्टीट्यूट है वो है नागौर राजस्थान का। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ इनके वेबसाइट पर और इंटरफेस भी कुछ ठीक सा नहीं है, बट ये भी एक टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर है। अगर आपके नियर अबाउट है तो आप इस नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हो। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको दिया होगा, राजस्थान में है नागौर। बढ़ते हैं अगले टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर। ये टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर है लुधियाना का। दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छा टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर है। आप देख सकते हो डिप्लोमा कोर्सेज, ITI कोर्सेज, बहुत सारे कोर्सेज इसमें करवाए जाते हैं। और इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको यहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम का कॉलम मिल जाएगा और करियर में जाके आप यहाँ पे जॉब भी फाइंड
कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारी लिस्ट में है वो है MSME टूल रूम कोलकाता, ये बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है। तो यहाँ भी आपको बहुत सारे ऐसे कोर्सेज मिल जाएंगे जो कि फ्री में भी होते हैं और बहुत सारे ऐसे पेड कोर्सेज भी मिल जाएंगे। आप देख सकते हो मोर देन 94.3% प्लेसमेंट इन LT कोर्स इन 2018, मतलब कि प्लेसमेंट के मामले में भी ये कॉलेज बहुत अच्छा है। सबसे आखिरी लिस्ट में हमारा है, दोस्तों लिस्ट में आप नंबर मत देखिए, सभी इंस्टीट्यूट अपने लेवल पे बहुत अच्छे हैं। ऐसा नहीं है कि ये लास्ट में मैंने बताया तो ये लोअर का, ऐसा नहीं है, मैं जस्ट स्टेट वाइज डिवाइड करके बता रहा हूँ। ये भी बहुत अच्छा टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर है और इस टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने देश की बड़ी बड़ी कंपनियों में भी जॉब लिया है। इसमें आपको इनके वेबसाइट पे ही ये प्रूफ मिल जाएगा, आप कॉलम प्लेसमेंट वाले कॉलम में जाके चेक कर सकते हैं। और बेसिकली इसमें भी आपको लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, ऑनलाइन कोर्सेज और डिप्लोमा कोर्सेज, ITI कोर्सेज, सभी टाइप के कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। मैंने बहुत सारी वीडियो इस वेबसाइट पे तो खास करके बनाई हुई है इस इंस्टीट्यूट के ऊपर। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी जो कि आज मैं आपको देना चाहता था। इन सभी इंस्टीट्यूट का वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके अपने नियर अबाउट या अपने स्टेट के किसी भी इंस्टीट्यूट के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये जो जानकारी मैंने आपको दी ये आपको अच्छी लगी होगी, आपके काम की भी होगी। और अगर आपको लगता है कि आपके काम की है तो इस इंफॉर्मेशन को आगे जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप के साथ, जितने भी आपके ग्रुप हैं, जितने भी फ्रेंड सर्कल में आपके साथ जो स्टूडेंट है उनको जरूर शेयर करें ताकि वो भी ऐसे इंस्टीट्यूट के बारे में पता चल सके उनको और वो भी फायदा ले सके। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। कुछ पूछना है आपको किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के ऊपर या आपको सलाह देना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा आपके सभी कमेंट का जवाब देने का, या आप मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे मैसेज करके कुछ भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।